عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له बात ही निराली, इसका मामला ही अजीब वही जो उसकी हर हालत इसके लिए बाइक से खैर है और ये चीज सिर्फ मोमिन ही को हासिल। अगर उसको खुशी और मसरत लाहक होती है तो शुक्र अदा करता है तो ये भी उसके लिए बेहतर होता है और अगर उसको दर्द और नुकसान पहुंचता है तो वो सब्र करता है ये भी इसके लिए बेहतर होता है। वाकई यह हदीस मोमिन के मामले को और मोमिन की शान को बहुत आला करार दे रही है और एक मोमिन के लिए ये एक रहनुमाई का काम कर रही है कि मोमिन को कोई परेशानी ही नहीं, कोई टेंशन की बात ही नहीं, बिल्कुल मुतमईन रहना चाहिए, इसको खुशहाल और मसरूर और शादा रहना चाहिए। क्या होगा, या तो खुशी होगी या रंग होगा, दोनों हालतों में से कोई तीसरी हालत तो होगी। तो हमें तो हर बात गवारा है क्योंकि वो हर चीज हमारे लिए बाई से है तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लोग जिंदगी को बड़ा मुश्किल समझते हैं, कहते हैं जिंदगी बड़ी मुश्किल है और वो खम बखम है, पेचीदा माने हैं उसकी। लेकिन ईमान है तो वो सिरात मुस्तकीम है, सीधी है राह शौक तो यूं ही कहीं कहीं खम हो गई है जुल्फ प्यार की तरह, बहुत सीधी है। अगर कहीं कहीं टेढ़ापन भी है तो वो अपने महबूब की मोहब्बत में और भी गवारा है, तो टेढ़ी नहीं है। मोमिन है तो वो समझता है जिंदगी तो बड़ी आसान चीज है, क्या होगा, हमारे साथ जो भी होगा वो हमारे रब की जानिब से होगा, तो हमें उसका इस्तकबाल है। खुशी आएगी तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, दो रकात नमाज अल्लाह ताला के लिए सजदा शुक्र के तौर पर पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, उस नियामत गरीबों का मिस्कीनों का अदा करेंगे, उस चीज के जरिए से खिदमत खल्क का काम अंजाम देंगे। पैसा देगा अल्लाह ताला, पैसा अल्लाह की राह में लगाएंगे, सेहत देगा सेहत से अल्लाह की इबादत करेंगे और गरीबों का फायदा करेंगे, तो यही शुक्र है तो वो भी हमारे लिए बेहतर होगा। और अगर
कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आई, कोई रंज आया, तो क्या करेंगे? सब्र करेंगे कि अल्लाह ताला की तरफ से है और इससे हमारे दर्जे बुलंद हो रहे, इससे गुनाह माफ हो रहे हैं और इससे अल्लाह ताला हमारी तरबियत कर रहा है और हमें अल्लाह ताला निखार रहा है। जैसे सोने को निखारा जाता है पिघला कर भट्टी में डालकर, तो अल्लाह ताला गोया के हमें वो ऊंची उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। जैसे कि किसी शायर ने कहा है ना कि तुम भी ये बातें मुखालिफ से ना घबरा रहे हो बाप, तुम भी ये बातें मुखालिफ से ना घबराते हो बाप, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। के हालात अगर मुखालिफ आए, परेशान कर आए और तुम्हें कोई चैलेंज का सामना हो तो उससे घबराना नहीं चाहिए, ये तो तुम्हारी उड़ान को ऊंचा करने के लिए, इससे मुकाबला करेंगे और शाही उड़ता चला जाएगा और ऊंचा उड़ेगा। तो बहरहाल बहुत ही अल्लाह ताला ने मोमिन का मामला बड़ा अजीब बनाया है और इसके बरक्स काफिर का मामला बिल्कुल गया गुजरा है। दोनों हाल में जितना मोमिन के लिए खैर है इतना ही काफिर के लिए शर है, दोनों चीजें। और मोमिन से मुराद मोमिनाना सिफत। बहुत सारे लोग मुसलमान से काफी नहीं है, ईमानी कैफियत, अगर ईमानी कैफियत नहीं है तो वो काफिर जैसी सिफत पर होगा। वो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना या मुसलमान घर में पैदा हो जाना वो काफी नहीं, वो सिफत पैदा करना है, वो अहलियत पैदा करना है, वो मोमिनाना शान पैदा करना मकसूद है। तो काफिर के लिए क्या होता है, उसको मसरत होती है तो क्या करता है, इतराने लगता है, घमंड करने लगता है, नशे में चूर हो जाता है, रुस्तम खान करता है और शानों पर देख करके चलता है, सीना खुला करके चलता है, कोई सलाम करता है तो धीरे से जवाब देता है। तो ये उसके लिए ये हलाक करने वाली है, जबकि खुशी भी और वो नियामत भी उसके लिए हलाक हलाकत का सबब बनती है। इसलिए कि शुक्र तो अदा नहीं कर रहा है बल्कि इतना नहीं रहता है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है वला इन अज़क़ना अल-इंसाना मिन्ना रहमतन थुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर। ये हम इंसान को कोई रहमत देते हैं फिर हम उससे छीन लेते हैं तो वो मायूस हो जाता है और अल्लाह ताला का मुनकिर हो जाता है। रंग आया तो मायूस हो गया और वला इन अज़क़नाहु नअमा बादा ज़र्रा मस्सतहु, अगर फिर नियामत देते हैं तो कहता है लयक़ूलन्ना ज़हब अस्सय्यातु अन्नी, अरे वो दो दिन की परेशानी थी, दो दिन का वक्त था, वो वक्त निकल गया, अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ। इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर, खूब इतराता है, डींगे मारता है, फ़ख़्र करता है, अरे ऐसी चाल चली मैंने भी यार, तो बस सारी मुसीबत है वो भेज हो गई और अब तो मैं हूँ और ये तरक्की। तो इतराता है, इतराता है और अगर रंग हुआ तो फिर डिप्रेशन में चला जाता है, मायूस हो जाता है। दोनों हालतें उसके लिए मौलिक होती है। जो मोमिनाना सिफत नहीं रखता है दोनों हालतें मौलिक होती हैं और मोमिनाना सिफत रखने वाले के लिए दोनों हालतें अच्छी होती हैं। तो ये हमारे लिए एक रहनुमाई का काम करती है कि यही तो दुनिया में यही तो दो चीज़ें पेश आती हैं, ये मोमिन के दो पर हैं, दो शेख पर हैं, सब एक शुक्र। तो दोनों चीज़ें होना चाहिए, सब्र भी हो शुक्र भी हो, शुक्र का जज्बा भी। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इसलिए इन फी ज़ालिका लआयातिल लिकुल्लि सब्बारिन शकूर,
अल्लाह फरमाता है वाकया बयान करके, इसमें निशानियां हैं साबिर के लिए शाकिर के लिए। मोमिन दोनों सिफत और काफिर की क्या सिफत है, यऊसुन कफूर, मायूस होने वाला ना शुक्र, और मोमिन सब्बारिन शकूर, सब्र करने वाला, हिम्मत रखने वाला और शुक्र अदा करने। तो हिम्मत कैसी होती है, हिम्मत अगर कोई रंज होता है तो हिम्मत कैसी होती है, इसकी मिसाल देखना है तो एक मोमिना औरत के वाक्य से समझिए कि ऐसी होती है हिम्मत। तो ये होता है ईमान। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी बीवी उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अनस की माँ, अबू तलहा उनके सौतेले वालिद, पुराने बाप से वो अनस बिन मालिक पैदा हो गए थे, वो तो मुशरिक मर गए, फिर अबू तलहा से शादी हुई उम्मे सुलेम, तो मुसलमान हो गई थी, तो अबू तलहा ने पैगाम दिया तो कहा हम तो मुसलमान हैं तुम मुशरिक हो, फिर वो भी मुसलमान हो गए और फिर निकाह कर लिया। हज़रत अनस पहले शोर से पैदा हुए थे। तो ये उम्मे सुलेम का वाकया है कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहीं गए थे अल्लाह के रास्ते में, दीन के काम में, जिहाद वगैरह के मकसद से, जिहाद के मकसद से बाहर गए थे। तो इधर हजरत उम्मे सुलेम के बेटा था अबू तलहा से, वो बेटा बीमार था जब ये गए थे, बीमार था तो इसी में मर गया बीमारी ही ना जहाँ बहा हो। देखिए एक औरत के ऊपर क्या गुजरती है जानते हैं ना, किसी नाशुक्री हो जाती है, मैंने देखा है क्या क्या बक देती है, अल्लाह ही जाने, अल्लाह ही रहम करे, ऐसी ऐसी बकवास कर देती है, अल्लाह ही को मेरा ही बेटा मारना था क्या, और मैं तो अकेली थी और अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया। लेकिन इस मोमिना का जिगर देखिए और इसका सब्र देखिए। अबू तलहा आए, पूछा कैसा है मेरा बेटा, सबसे पहले उनको वही फिक्र थी, तो कहने लगी कि पहले से ज़्यादा सुकून से, और ऐसा जाहिर किया और सुकून से तो झूठ भी नहीं बोली, अब तो सुकून ही सुकून है ना उसको, नाबालिग है उसके ऊपर क्या हिसाब है। तो खाना वाना पेश कर दिया माशाल्लाह, शोहर को खाना वाना खा लिया, फिर जीनत इख्तियार की, ताल्लुक भी कर लिया। हज़रत अबू तलहा ने सफर से आए थे, फिर जब फ्रेश हो गए तब बताया कि ये बताइए हज़रत कि अगर कोई अमानत दे फिर मुतालबा करे तो क्या क्या हक बनता है। तो कहा अमानत लौटाना चाहिए, तो बस लौटा दो अपनी अमानत, अल्लाह ने मांगी है अमानत, सब कर अपने बेटे का। अब समझे अब, अरे तूने मुझे मुलव्वज़ कर दिया, आप बताया अरे बेटा मर गया, बताया भी नहीं, मुलव्वज़ कर दिया मुझे जनाबत में और अब बता रही है। फिर वो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, अबू तलहा वाकया सुनाया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह बरकत अता फरमाए तुम्हारी रात में। फिर उसके नतीजे में हम करार पाया और फिर उससे बच्चा पैदा हुआ, और उस बच्चे के कई बच्चे हुए, सब आलिम फाजे, तारीख में उनके नाम उनके बारे में आता है कि वो सब बरकती, तो अल्लाह ताला ने फिर ऐसी बरकत उसके सब्र का नतीजा था उस औरत के। तो फिलहाल ये हमारे लिए नमूने की बात है, ये हदीस एक रहनुमा उसूल के तौर पर
हमें याद रखना चाहिए कि कुछ चीज हमारी कुछ नहीं है। एक जगह हमने देखा था, लिखा था, तुम क्या लाए थे जो तुम्हारा खो गया है, क्या चीज लेकर आए थे कि तुम्हारा खो गया है जिसकी वजह से परेशान रहते हो। हमें बड़ी अच्छी लगी बात, हालांकि वो जहाँ लिखा था वो तो बहुत ऐसे ही दीन जगह नहीं थी, लेकिन बात बड़ी दीनी लगी थी। तुम क्या लेकर आए थे कि तुम परेशान रहते हो, क्या टेंशन में रहते हो, ऐसे ही तो आए थे, हमारा क्या था जो छिन गया है। खैर भी लोग भी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ईमान नहीं, ईमान की ये बात तो लेकिन ईमानी है तो इतनी अच्छी बात है, कुछ हमारा नहीं, सब अल्लाह का दिया हुआ है नियमत है, तो अल्लाह की तरफ से नियमत है, तो मैं अल्लाह का मुमकिन का एहसान मानूँ, उसी के मुताबिक उसको इस्तेमाल करो, भुलन जाया कोई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से उसको उसका इस्तकबाल करेंगे। जब बंदा इस्तकबाल करेगा तो वो रंज आसान हो जाएगा, बल्कि कभी कभी तो बाज सूफिया से तो मन को लेके रंज में वो खुशी मनाते थे, तो दूसरे लोग उस पर एतराज़ करते हैं कि ये तो मुबालवा कर दिया, लेकिन वो उनका हाल होता है, अल्लाह से जो ताल्लुक होता है मेरे रब की तरफ से है, तो रंज हो रहा है और वो इतना खुशी मना रहे, लगता है कोई मसरत आ गई, तो उनकी हालत ऊँची होती है ना, ऊँचे मकाम पर होते हैं वो लोग, कहते अल्लाह की तरफ से ना ही। तो बहरहाल कम से कम अगर उस दर्जे तक नहीं पहुँचे, उस मकाम तक के रंज से खुशी होने लगे, तो कम से कम सब्र ही कर ले, एहतिसाब के सवाब की उम्मीद रखें उसमें, कम से कम आदमी जो आजकल कितने लोग शुगर में, टेंशन में, डिप्रेशन में, ये सबका असल उसूल क्या है, वही परेशान रहना, परेशान रहना इन सब बीमारियों की जड़ है, तो मोमिन होगा तो परेशानी नहीं होगा, तो इंशाअल्लाह ताला अगर मोमिनाना जिंदगी गुजारे आदमी तो ये सारी बीमारियां इंसान मोल लेता है, तो ईमानी